हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, अभी जो है शाम का टाइम, मैंने सभी कबूतरों को निकाल दिया है बाहर। लेकिन अपने कबूतरों को बाहर निकालने से पहले सुबह के टाइम में मैंने अपने कुछ पट्ठों को बाहर निकाला हुआ था, क्योंकि अब जो है उत्तरायण खत्म हो चुका है, पतंग उड़ाना भी काफी ज्यादा कम हो चुका है। इक्का दुक्का लोग उड़ाते हैं तो उड़ाते हैं, नहीं तो भाई अब उतना ज्यादा पतंग नहीं उड़ता। मैं जो है अभी अपने कबूतरों को उड़ाना भी स्टार्ट कर दिया हूँ। सुबह के टाइम में मैं जो है अपने कुछ कबूतर उड़ा देता हूँ जो घर के पट्ठे हैं उनको, और कबूतरों को जो है दाना पानी डाल के चला जाता हूँ। वो कबूतर जो है अपनी मर्जी से धीमे धीमे आके बैठ जाते हैं। वो लोग जो है जाल के ऊपर आके बैठे हुए थे, जैसे ही मैं छत पे आया उनको मैंने दोबारा से छेड़ दे दिया। कुछ कुछ कबूतर जो है यहाँ पे नीचे नीचे उड़ रहे हैं, और कुछ कुछ कबूतर भाई बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। मेरे को दिखे थे दो तीन कबूतर काफी ज्यादा हाइट पे गए। देखो दोबारा से मुझे एक दिख गया, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा है ना आपको गाइस, इनके भी ऊपर अपने कबूतर उड़ रहे हैं। फिर से कहीं चला गया भाई वो राधिका। ये देखो यहाँ पे, क्या पता आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस, बहुत ही ज्यादा हाइट पे है, नहीं दिख रहा भाई वो वाला। यहाँ पे ये जो पट्ठा घुटक रहा है इसको भी मैंने उड़ाया हुआ था, लेकिन गाइस अभी जो है ये लोगों ने अपना उड़ान नहीं खोला हुआ है। ये हमारे घर का ही पट्ठा है, पूरा फुल मेल बन चुका है, लेकिन इतने दिनों से ये लोग बैठे हुए थे ना, तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं उड़ते। मैंने उड़ाया हुआ था, थोड़ा बहुत चक्कर लगा के ये लोग दोबारा रिटर्न आ गए, और कुछ कुछ कबूतर अपने हाइट पे चले गए। देखो जो दो ऊपर मैं बात कर रहा था वो मुझे दिखे हैं दोनों एक साथ, शायद इस बार आपको दिख जाए। ये पतंग के काफी ऊपर, ये देखो गाइस एक चमक रहा है ना, ये रहा, तो काफी ज्यादा हाइट पे चले गए हैं भाई। वो जा रहा है और दो तो ये उड़ रहे हैं, एक दो। उत्तरायण के पहले जब हम लोग अपने कबूतरों को ट्रेन कर रहे थे अपने छत पे कि भाई वो लोग जो है अपने छत के पक्के हो जाएं, उड़ाना स्टार्ट किया था, उस समय जो है मेरा एक पट्ठा निकल गया था, मतलब पता ही नहीं चला उसका भाई, वो ऊपर उड़ा था और रिटर्न वापस ही नहीं आया, उसको बैरी ले गई कहीं और चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सोचा था कि शायद कुछ दिनों के बाद अगर वो अभी बच्चा है इधर उधर भटक रहा होगा तो कुछ दिनों के बाद शायद रिटर्न आ जाए, लेकिन काफ़ी दिन हो गया है वो रिटर्न नहीं आया, तो मैंने सोचा आप लोगों को उसके बारे में भी बता दें। लेकिन सेम वैसा ही एक पट्ठा अपने पास भी निकला हुआ है, ये देखो यहाँ पे जो एक बच्चा बैठा हुआ है ना, इसी का भाई था वो, और सेम ऐसा ही था, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो चुका था। ये तो अभी भाई बहुत ही छोटा चीची करता हुआ बच्चा है, भी अभी जो है ये अपने पेटी से बाहर निकालना स्टार्ट किया है। वो बच्चा भी जो है सेम टू कॉपी ऐसा ही था, उसको भी जो है और पट्ठों के साथ बाहर निकालता था, उड़ाता था। कई बार वो उड़ के आ भी चुका था, लेकिन एक दिन वो उड़ा था और उसके बाद वो रिटर्न वापस आया ही नहीं, क्या पता भाई उस बेचारे के साथ क्या हो गया। तो जो अपना सारनपुरी कबूतर का पट्ठा निकला हुआ है जिसके पैर में दिक्कत है, मैंने जो है गाइस इसके पैर को टेप से चिपका दिया है। रुको, सबसे पहले जो है मैं इसको बाहर निकालता हूँ। भाग गया भाई, आजा भाई। ये देखो गाइस, ये देख रहे हो, ये जो है अपना पूरा पैर पीछे कर लेता है और पूरा रगड़ाता रहता है। पूरा इसका पैर मैंने लपेट के पूरा टेप से चिपकाया हुआ है, तो अभी थोड़ा सा ये आगे रखा हुआ है। पैर पहले जैसा तो ठीक नहीं हो पाएगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कम से कम ये दोनों पैर जमीन पे रखने लगे। थोड़ा पैर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा चलेगा, बट कम से कम दोनों पैर जमीन पे रखे जिससे कि ये बच्चा थोड़ा ठीक हो जाए। एक पैर इसका प्रॉपर है और दूसरा पैर बिल्कुल पीछे रखता था ये, और जब चलता था तो इसका पैर घसीटाता था और उसमें से भाई ब्लड आने लगता था। देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये पैर घसीटाने के वजह से इसको चोट आया हुआ है, तो देखते हैं। मैं ट्राई तो पहले भी किया था कि इसका पैर बिल्कुल ठीक हो जाए, बट ठीक नहीं हो पाया था, और मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ कि भाई कम से कम थोड़ा बहुत तो सही हो जाए। भगवान चाहेंगे तो भाई ये बच्चा ठीक हो जाएगा। तो भाई ये बच्चे को क्या हुआ गाइस, ये भी जो है हमारे सारनपुरी कबूतर का ही बच्चा है, और इन लोगों के नीचे सिर्फ और सिर्फ यही बच्चा है, उसके बाद भी भाई इसका ग्रोथ प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा है, देख रहे हो। सारनपुरी जोड़े के नीचे भाई ये एक ही बच्चा है और कासनी टाइप में निकल रहा, पूरा सिलेटी में। दो बच्चा रहता तो मैं समझ सकता था भाई कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, बट एक ही बच्चा है उसके बाद भी इसका प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इसका कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा मल्टीविटामिन ये सब कुछ देना पड़ेगा। जो कबूतर के हमारे पैर में दिक्कत है उसको मैंने बाहर निकाला था, लेकिन वो जो है दोबारा अंदर चला गया, तो मैं इसको अंदर ही भाई रोटी डाल देता हूँ। ले हमारे फैंटेल कबूतरों ने अंडा दिया था, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि उन लोगों ने दूसरा अंडा दिया है या फिर नहीं। ये देखो यहाँ पे हमारा वाइट फैंटेल बैठा हुआ है, अभी तक भाई एक ही अंडा है। यहाँ पे ये सराजी फीमेल भी ऐसे ही कुछ बैठी है भाई, इसका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता,
कब अंडा दे रही है, कब क्या कर रही है। देखो इससे पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि ये फीमेल कुछ इसी टाइप से बैठी थी, मुझे लगा था भाई अंडे दे देगी, बट अभी तक इसने एक भी अंडा नहीं दिया है। और हमारे फेंटेल कबूतरों के पास भी अभी तक एक ही अंडा है, तो किसी और का एक कबूतर आ गया है। ये देखो, क्या पता कौन सा कबूतर, अच्छा वो है यार ये तो। चलाओ आओ आओ आओ। मैं जो है अभी इसको दोबारा से पकड़ता हूँ, बाहर निकालता हूँ पकड़ के। इतने दिन तक कहाँ गया था भाई? तो भाई मैं गया हुआ था आसाम घूमने के लिए। घूमने के लिए? सीधे सीधे बोलना वाइफ के ससुराल गया। भाई ये चिंता तो भाई यार ये क्यों नहीं बताओ? नहीं बताओ ये तो मैं पक्का मैं कट क्या लेता, लेकिन अब तो मैं कट करूंगा भाई, डाल देना इसमें क्या शर्म है भाई। तो गाइस जिन लोगों को नहीं पता, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये जो एज है बिल्कुल सेम है, बट भाई ये मेरे से बड़ा है। देखने में भले नहीं लगता बट ये उम्र में मेरे से बड़ा है। गाइस इसका शादी भी हो चुका है, जो मेरे कमेंट सेक्शन में आता रहता है ना, भाई आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, शादी हुआ कि नहीं। तो भाई मैं अभी बिल्कुल सिंगल हूँ, अखंड सिंगल हूँ, लेकिन इसका शादी हो चुका है और वाइफ को लेके गया हुआ था ससुराल। ससुराल में मजे मार रहा था भाई। और तेरे कबूतर का देखभाल कौन कर रहा था? देखभाल कौन करेगा भाई, फ्रेंड था और घर वाले भी देख रहे थे। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं, एक जीरी फीमेल मर गई, उसको कैसे बिल्ली ने अटैक किया। अच्छा कैसा लगा आसाम घूम के? एकदम बेस्ट, वहाँ की जगह सबसे बेस्ट है आसाम का। मुझे तो मेरे गाँव से भी बेस्ट वहाँ लगता है। आसाम में प्रॉपर्टी खरीद ले क्या? प्रॉपर्टी क्या खरीदना है भाई, लेकिन जगह बहुत बेस्ट है वहाँ पे घूमने फिरने लायक, एकदम मन। मेरे को बोला होता मैं भी चला होता। बीवी को लेके तुरंत निकल गया भाई। हम में से किसी को बताया होता है नहीं। क्या रहा है, हंस क्या रहा है? मैं बोला था कि नहीं, जब कपड़ा खरीदने के लिए आया था उधर बोल के गया था ना कि भाई मैं गांव जाने वाला हूँ। लेकिन हमें कहाँ बोला भाई तू भी चल साथ में, हम भी चलते आसाम की हरियाली देखने। तू बिना मन के पूछ भी लेता हाँ भाई चलो, तुम लोग हम लोग मन होता तो बोल लेते हाँ भाई। दोस्त है, दोस्त का कुछ फर्ज होता है कि नहीं? कम से कम पूछ लिया होता, चलना ना चलना हमारी मर्जी। क्या भाई, तो इसकी वाइफ है तो हमारी भी भाभी है। बिल्कुल है कि भाई चलने का, और क्या नेक्स्ट टाइम जाऊंगा, अभी 3 महीने बाद फिर से चलो। मैं बोल रहा हूँ तो चलो, मजा आया ना आसाम में? तो अभी कबूतरों को खोला वोला नहीं अपने? सबको खोल दिया हूँ, सब लोग दाना पानी करके ऊपर मजे कर रहे हैं बैठ करके भाई अपनी बैठक पे। तो अभी जाऊंगा उनको बंद करूंगा। ये बच्चे वाली पेटी में पूरी जोड़ी जाके मस्ती मार रही है और बच्चे दोनों डर रहे हैं। यहाँ पे ये जो टेढ़ा कबूतर है ये, और ये फेंटेल। पहले ये दोनों जो है अंडे को हैच करते थे बराबर, लेकिन अब मेरे को लगता है अंडे को ऐसे ही छोड़ दिया भाई। अंडा गाइस मुझे दिख भी नहीं रहा है, मेरे हिसाब से एक दूसरी फीमेल जो लेके बैठी हुई है ना उसने ले लिया है। गाइस अभी के लिए फिलहाल में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पे नया और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।